दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि सोलर सिस्टम जो हम सोलर पावर प्लांट लगाते हैं उसमें जो हम अर्थिंग करते हैं तो अर्थिंग प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो जो हम अर्थिंग करते हैं वो अर्थिंग को टेस्ट कैसे किया जाता है अर्थ टेस्टर के माध्यम से। तो आज के इस वीडियो में हम डायरेक्टली एक साइट का वीडियो प्ले करेंगे, उसमें आपको बताएंगे कि हमने सोलर प्लांट में जो अर्थिंग की उसकी अर्थ टेस्टिंग कैसे की है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी अपडेट आपको हो जाए अर्थिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहली बार हमारे इस YouTube चैनल पे आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि रेगुलर सोलर और इलेक्ट्रिक व्हीकल से अपडेट आपको टाइमली मिलती रहे। तो इसमें आप देखिए E1P1 हमारा एक है, E2P2 है। तो हम लोग इसको जो है E1P1 को शॉर्ट करके हम लोग अर्थिंग को डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं हमारे अर्थिंग इलेक्ट्रोड्स के साथ में, जो कि आपको वैल्यू देता है कि आपका अर्थिंग का वैल्यू क्या है, कितना आ रहा है। इसमें आप लोग देख सकते हैं इसने कनेक्ट किया हुआ है डायरेक्टली। नेक्स्ट आप देखेंगे कि इसमें जो है E1, E2 और P2 आपके जो साइड में कांस्टेंट रॉड्स है, जो साइड को आपको कांस्टेंटली रखना है, जो कि डिस्टेंस इसका 9 मीटर हो। दोनों E2 और P2 का 9 मीटर डिस्टेंस होना चाहिए दोनों का, और फर्स्ट का जो है आप उसको भी 9 मीटर होना चाहिए, तभी आपको जाके वैल्यू प्रॉपरली आपको मिलेगा। अभी इसमें काफी ज्यादा मीटर्स अवेलेबल है, लाइक देख सकते हैं कि जैसे अभी मैंने अभी टेस्ट करा हूं तो इसमें आपका वैल्यू आपको दिख जाएगा कि इतना है। मैंने ओहमिक वैल्यू को भी बताया कि लोग ये भी पूछते कि कितना कहाँ पे कब वैल्यू आना चाहिए, कैसा आना चाहिए, मेरा ये प्रोडक्ट है, तो मैंने आपको सभी अभी बता दिया है, इसमें एक्सप्लेन किया है, तो आप उसमें से आप लोग देख सकते हैं। अभी मेरा जैसे वैल्यू टेस्ट किया तो मेरा अभी जो वैल्यू है 0.04 जो भी रहेगा, 2 ओम बिलो 2 ओम 3 ओम, ये आपको वैल्यू मिल जाएगा। अभी इसमें मशीन्स में आप बोल सकते हैं कि लाइक जैसे मशीन्स जो है, अभी ये वेको का डिजिटल टेस्टर है, इसमें वेको का आता है, इसमें आपका क्लैम्प मीटर आता है, एनालॉग मीटर आता है जो कि हम पहले यूज करते थे, ये भी सब हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं।